अस्सलामुअलैकुम डियर लर्नर्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारा ISO 45001:2018 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का डे टू का लेक्चर है। और ये लेक्चर इतना ज़्यादा लेंथी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर एज अ एक्सरसाइज आपको करने के लिए कुछ दिया जाएगा। आज जो हम टॉपिक इसके अंदर डिस्कस करेंगे वो है मॉक टेस्ट ऑफ ऑडिट, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरेटिकल पढ़ाया ना जाए बल्कि आपको प्रैक्टिकली भी कि आपने ये किस तरह से परफॉर्म करना है तो आपसे मॉक टेस्ट ऑफ ऑडिट परफॉर्म भी करवाया जाए ताकि आपके साथ ये स्किल सिर्फ जुबानी कलामी ना आए बल्कि आपके अंदर ये स्किल प्रैक्टिकली भी मौजूद हो। इसके लिए आपको करना क्या होगा, करना ये है कि जिस तरह पहले लेक्चर्स में दूसरे लेक्चर्स में और करते रहे हैं लेकिन नए लोग भी ऐड होते रहते हैं, इस वजह से मैं इसके अंदर दोबारा दोहरा देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। करना आपने ये है कि जब भी आपको कोई असाइनमेंट दी जाए, जब भी आपको कोई एक्सरसाइज दी जाए या कोई असेसमेंट दी जाए, सॉरी असाइनमेंट के अलावा आपको कोई भी टेस्ट दिया जाए, तो आपने करना क्या है कि उसको परफॉर्म करने के बाद दो तरीके हैं नॉर्मली। एक ये है कि आप उसको कंप्लीट करने के बाद मुझे ईमेल कर सकते हैं, और सेकेंडली ये है कि आप उसको मुझे व्हाट्सएप करके अपना फीडबैक ले सकते हैं जिससे आपको इसको इम्प्लीमेंट करते हुए या इसको यूज करते हुए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट ऑफ ऑडिट है जी। अब ऑडिट क्या है? नाउ यू हैव टू कैरी आउट अ टेस्ट ऑफ ऑडिट फॉर प्रॉफिट मशीनरी सर्विसेज PMS कंपनी है हम सपोज करेंगे टू असेस इट्स। क्या चीज असेस करनी है कि इसका ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमने असेस करना है, एंड प्रिपेयर टेस्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। उसको असेस करने के बाद हम टेस्ट ऑफ ऑडिट करेंगे। अब इसमें क्या टाइप, क्या ग्रुप टू पर्सन, दो लोग इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर। रेफरेंस डॉक्यूमेंट क्या है? PMS OH&SMS डॉक्यूमेंट्स फॉर डेस्कटॉप ऑडिट ISO 45001:2018 स्टैंडर्ड। अब ये क्या होगा कि आपको इसके लिए अगर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है तो वो डॉक्यूमेंट्स जो इसका बुकलेट है, जो बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे ले लिया, मुझसे ईमेल के थ्रू ले लिया, और जिन लोगों को अभी तक नहीं उन्होंने लिया उनको रिक्वायर्ड है तो वो रिक्वेस्ट करके ईमेल के थ्रू मंगवा सकते हैं। तो उसके पेज 88-172 के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो एक डेस्कटॉप ऑडिट के लिए रिक्वायर्ड होंगी। पर्पस क्या है? टू नर्चर एंड मेयर skills for conduct of effective desktop audit and prepare desktop audit report। इसका जो बनवाने का मेन मकसद है वो ये है कि आपके अंदर ये स्किल पैदा हो कि किस तरह से आपने डेस्कटॉप ऑडिट को प्रिपेयर करना है, उसकी इफेक्टिवनेस देनी है और एक डेस्कटॉप ऑडिट रिपोर्ट क्रिएट करके देनी है। टाइम कितना है आपके पास? 260 मिनट्स फॉर डेस्कटॉप ऑडिट एंड 60 मिनट्स फॉर डिस्कशन। 260 मिनट्स में आप अपना डेस्कटॉप ऑडिट कंप्लीट करेंगे तमाम डॉक्यूमेंटेशन को सामने रखते हुए, और 60 मिनट्स आपके पास होंगे डिस्कशन के लिए। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें आगे आता है सैंपलिंग। अब ये जो कुछ चीजें जिसमें आज फ्रॉम कैंडिडेट की बात आएगी तो ये भी आपने एक असाइनमेंट बना के शेयर करनी है कि वॉइस सैंपलिंग, रिस्क ऑफ सैंपलिंग, कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सैंपलिंग क्यों परफॉर्म करते हैं बजाय ये कि हम पूरी पॉपुलेशन लें, और रिस्क ऑफ सैंपलिंग क्या है। पहले वाई सैंपलिंग केस के आपने फायदे बताने हैं, और रिस्क ऑफ सैंपलिंग के फिर इसके नुकसान या रिस्क हैं। तो आपने ये दोनों बातें, इनकी भी एक असाइनमेंट बना के आपने मेरे साथ शेयर करनी है। हाउ सैंपलिंग इज कैरिड आउट, कि सैंपलिंग कैसे परफॉर्म की जाती है। की प्रोसेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जर्वेशन रेज ड्यूरिंग डेस्कटॉप ऑडिट, ठीक हो गया। करेक्टिव एक्शंस ऑफ NCR, नॉन कंफर्मिटी रिपोर्ट रेज ड्यूरिंग डेस्कटॉप ऑडिट, इंडिकेटर्स ऑफ कंटिन्यू इंप्रूवमेंट, लीगल एंड कस्टमर्स रिक्वायरमेंट हो सकती है, और रैंडम सिलेक्शन। उसके बाद एक्सरसाइज 7। अब आपने क्या करना है, देखें ये जितनी भी एक्सरसाइजेस दे रहा हूँ अगर आपने एक बार करके मेरे साथ डिस्कस कर लिए, मेरे साथ उसके ऊपर कमेंट्स ले लिए, गाइडेंस ले लिए, तो प्रैक्टिकली आपको किसी भी तरह का इशू नहीं होगा। देखते हैं इसको भी। यू हैव परफॉर्म डेस्कटॉप ऑडिट ऑफ PMS,
वो आपने प्राउड मशीनरी सर्विसेज का ऑडिट किया है, प्रिपेयर द सैम्पलिंग डेटा फॉर ऑन साइट ऑडिट ऑन ऑडिट सैम्पलिंग सेक्शन फॉर्म ST001। ठीक है, अब आपने ऑडिट सैम्पलिंग सिलेक्शन फॉर्म के ऊपर टाइप किया, इंडिविजुअल रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, किसकी रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, डेस्कटॉप ऑडिट रिपोर्ट की, पर्पस क्या है, टू मेजर एंड मेजर स्किल्स ऑफ फॉर एफिशिएंट सैंपल सिलेक्शन, टाइम कितना है, 20 मिनट्स फॉर प्रिपरेशन एंड 50 मिनट्स फॉर डिस्कशन। तो ये भी आपने डिस्कस करना है, बनाना है परफॉर्म और मेरे साथ शेयर करना है। देन वी हैव चेकलिस्ट। अब ये चेकलिस्ट जो है ये बेसिकली क्या है कि नॉट नेसेसरी बट वेरी इंपॉर्टेंट टूल। लाजमी नहीं है कि आप चेकलिस्ट बनाएं या कोई लॉ नहीं है, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, आप डेली लाइफ में भी देखें तो आप बहुत सारे काम चेकलिस्ट की मदद से करते हैं ताकि कोई भी चीज उसमें से रह ना जाए। इंश्योर्स ऑडिटर स्टिक टू प्लान। मकसद यह है कि ऑडिटर जो प्लान दिया गया है उसके साथ बना रहे, उसके ऊपर ही फोकस रखे। इंश्योर सैंपल इज बैलेंस्ड, और जो सैंपल लिया गया आप इस बात को मेक श्योर करें कि वो बैलेंस्ड है। सेल्स टाइम वक्त बचाता है, क्लैरिटी ऑफ पर्पस इन एविडेंस कलेक्शन, और इससे हमें चेकलिस्ट की मदद ये मिलती है कि हमें पता चल जाता है कि जो हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं इसका जो मकसद है वो फुलफिल हो रहा है या कि नहीं। रिकॉर्ड्स फॉर फ्यूचर ऑडिट्स, और इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है आप एक बार चेकलिस्ट बना लें तो नेक्स्ट टाइम आप फ्यूचर ऑडिट्स के लिए उसी को कैरी ऑन कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ चेकलिस्ट, अब चेकलिस्ट की बता दिए, फायदे क्या थे, एडवांटेजेस क्या थे, हमें कहाँ पे वो मौसर है, कहाँ पे हमें वो काम आ सकती है। अब हम डिस्कस करने लगे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ चेकलिस्ट। इसमें पहला है रिक्वायर्स एक्सपर्टीज टू डेवलप एंड यूज। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है कि चेकलिस्ट को बनाने में और इस्तेमाल करने में आपको एक्सपर्टीज जो है वो रिक्वायर्ड होंगी। द ऑडिटर मस्ट बी श्योर क्लियर एज टू व्हाट एविडेंस इज सॉट एंड व्हाई, और ऑडिटर को पता होना चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर हो कि कौन सा एविडेंस हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं और उसका पर्पज क्या है पीछे उसके। नैरोज पोटेंशियल ऑब्जर्वेशन, अब ये क्या होगा कि चेकलिस्ट क्योंकि दे दी है गई है तो आपका सारा फोकस ये होगा कि चेकलिस्ट के अंदर मौजूद चीजों को फुलफिल करें और जो पोटेंशियल ऑब्जर्वेशन होंगी, जो कुछ आप समझे कि नई चीजें या अहम चीजें उसके अंदर मौजूद है, वो कई दफा ओवरलुक्ड हो जाती हैं इस चेकलिस्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि इसका ऑप्शन उस ऑब्जर्वेशन का, उस पोटेंशियल ऑब्जर्वेशन का ऑप्शन उस चेकलिस्ट के अंदर मौजूद नहीं होगा तो वो उसको जो है ओवरलुक करेगा, उसको छोड़ देगा जब ऑडिटर, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। रिक्वायर सिचुएशनल अवेयरनेस टू यूज चेकलिस्ट, आपको सिचुएशन के मुताबिक इसको यूज करना आना चाहिए। सेपरेट चेकलिस्ट नीडेड फॉर ईच फंक्शन, हर काम के लिए आपने सेपरेट जो है वो चेकलिस्ट यूज करनी है। रिक्वायर एनालिसिस एंड एवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट, अंडरस्टूड है कि आप चेकलिस्ट बना के बैठ नहीं जाएंगे बल्कि आप उसका एनालिसिस करेंगे, आप उसको डिटेल में उसका तजिया करेंगे, और उस तजिया करने के बाद आपका मकसद ये है कि जो नतीजे आए हैं आप उनकी एवेल्युएशन करेंगे। एवेल्युएशन करने का पर्पज यही है कि चेकलिस्ट में मौजूद जो चीजें हैं आया क्या हमारा पर्पज फुलफिल करती हैं या नहीं। तो क्या ऐसा तो नहीं कि जो हमने चेकलिस्ट बनाई है वो चेकलिस्ट एक जेनेरिक चेकलिस्ट है और उसका जो है एडिक्वेसी कह सकते हैं आप, या वो अप्रोप्रिएट नहीं है इस टाइप के ऑडिट के लिए। गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग चेकलिस्ट, अब जबकि हमें ये मसाइल आ सकते हैं कि चेकलिस्ट जो है वो अप टू द मार्क नहीं है या अपडेटेड नहीं है या रेलेवेंट नहीं है, तो इन चीजों को मेक श्योर करने के लिए तो जब भी आपने चेकलिस्ट बनानी है तो आपने ये चीजें उसके अंदर लाजमन देखनी है, या चेकलिस्ट बनाते हुए ये आप चीजें जो हैं जो भी ऐड अप करेंगे वो इन चीजों को सामने रखते हुए करेंगे। पहली चीज क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट, कि क्राइटेरिया की क्या रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल लाजमी हो। ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंटेड सिस्टम कैसा है उसके मुताबिक जाया जाए। बेंचमार्किंग आप करेंगे कि दूसरी चीजों से कंपैरिजन करके दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, और इस तरह से आप कंपैरिजन करेंगे कि इससे रेलेवेंट बाकी जगहों पे क्या हो रहा है, उन चीजों को सामने रखते हुए आप ये चेकलिस्ट डेवलप करेंगे। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है चेकलिस्ट डेवलप करने के लिए।
क्रॉस रेफरेंस विद क्राइटेरिया और क्विक रेफरेंस इंप्रूवमेंट सिस्टम क्लॉज, आपको क्लॉजेस का पता होना चाहिए कि जो चेकलिस्ट में चीज आप मांगने जा रहे हैं वो कौन सी क्लॉज में और कौन सी क्लॉज आपको बाउंड करिएगी ये चीजें आपने कलेक्ट करनी है। स्पेसिफिक टू द प्रोसेस और फंक्शन, रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड के जिसका आपको कोई नतीजा भी मिले। पहली चीज हमने बनाई है जो आपको मैंने आज एज असाइनमेंट दी है, वो फर्स्ट थिंग है कि आपने डेस्कटॉप ऑडिट परफॉर्म करके उसकी रिपोर्ट जनरेट करनी है। दूसरी चीज सैंपलिंग डाटा के हवाले से आपने फॉर्म प्रिपेयर करना है। तीसरा चीज जो है वो चेकलिस्ट फॉर्म है, ठीक है। आप क्या करना है कि आपने ऑडिट परफॉर्म कर दिया, डेस्कटॉप ऑडिट और सैंपलिंग प्लान भी हमने प्रिपेयर कर लिया, मतलब आप तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मैं समझाते हुए इसको थोड़ा सा तेजी से गुजरा हूं, लेकिन जब आप करेंगे तो इसके ऊपर आपके 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। अच्छा, अब उसमें क्या है, नाउ प्रिपेयर द चेकलिस्ट फॉर ऑन साइट ऑडिट ऑफ पीएमएस। पीएमएस आपको पता है हमने स्पोर्ट्स की हुई ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपटेक मशीनरी सर्विसेज ऑन चेकलिस्ट फॉर्म CL001। टाइप क्या है, इंडिविजुअल, रेफरेंस डॉक्यूमेंट, टेस्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, सैंपलिंग फॉर्म, चेकलिस्ट फॉर्म CL001। पर्पज क्या है, वही पर्पज है कि आपने एफिशिएंट चेकलिस्ट प्रिपरेशन जो है ये सीखनी है, आप किस हद तक इस काबिल हो। 45 मिनट फॉर प्रिपरेशन, 45 मिनट में आपने बनानी है और 15 मिनट डिस्कशन के, तो वो ये 15 मिनट डिस्कशन के आप मेरे साथ भी डिस्कशन करके इसके ऊपर फीडबैक ले सकते हैं। अब जी आ गया हमारे पास ऑडिट प्रोग्राम, कि ऑडिट प्रोग्राम क्या है। ऑडिट प्रोग्राम है बेसिकली अरेंजमेंट्स फॉर अ सेट ऑफ वन और मोर ऑडिट्स प्लान्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक पर्पस, एग्जांपल ऑडिट ऑब्जेक्टिव। मतलब कि ऑडिट प्रोग्राम के अंदर वो तमाम तर अरेंजमेंट्स शामिल है, उन अरेंजमेंट्स का सेट कह सकते हैं जो एक या एक से ज्यादा ऑडिट जो हमने प्लान किए हुए हैं कि हमने इस टाइम फ्रेम में ये ऑडिट इस पर्पस के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए जो अरेंजमेंट्स की जाती हैं उसको हम ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं। ऑडिट प्रोग्राम इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स शामिल होंगे, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स टू बी कैरिड आउट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, ऑब्जेक्टिव्स पर्पस क्या है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हमें इसके लिए क्या है, ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट हमें कौन कौन से लोग इस ऑडिट प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व करने हैं या रिक्वायर्ड है, कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट के जो जो इंडिविजुअल्स इसके अंदर, जो जो टीम, जो जो इंडिविजुअल्स इसके अंदर मौजूद हैं दे शुड बी कॉम्पिटेंट। ऑडिट प्लान, अब ऑडिट प्लान क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटीज एंड अरेंजमेंट फॉर एन ऑडिट। अब वो जो अरेंजमेंट्स है सिर्फ वो आपके ऑडिट प्रोग्राम में चलेगी। ऑडिट प्लान क्या है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटीज, के आप क्या क्या चीज कैसे कैसे परफॉर्म करेंगे वो आपका प्लान है, ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज आपने परफॉर्म करनी है, एंड अरेंजमेंट फॉर एन ऑडिट, तो ये ऑडिट प्लान होगा। क्या जी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटीज हम क्या क्या करेंगे, एंड अरेंजमेंट फॉर ऑडिट, और हमने एक ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या अरेंजमेंट किए, ये आपका ऑडिट प्लान का हिस्सा होंगे। ऑडिट प्लान में अब क्या आएगा, इट इंक्लूड्स ऑडिट स्केड्यूल के कब है, क्या है, स्कोप क्या है, क्राइटेरिया क्या है, ऑडिट मेथड क्या है, सैंपल साइज क्या है कि कितने एरिया सैंपल कितना सा लेके कर रहे हैं, रिपोर्टिंग मेथड क्या है, सजेशंस रिकमेंडेशन इफ एग्रीड 1P and 2P। नोट, इन थर्ड पार्टी ऑडिटिंग द ऑडिटर कैन नॉट सजेस्ट प्रोवाइड कंसल्टेंसी। थर्ड पार्टी ऑडिट में वो इंडिपेंडेंट ऑडिट होता है, जो भी आउटपुट आती है उसमें फिर वो सजेशंस और कंसल्टेंसी ये चीजें नहीं होंगी थर्ड पार्टी में, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी में इसलिए है कि वो भी उनकी अगर एग्रीड है तो वो कर सकते हैं, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। ऑडिट प्लान में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में मजीद आता है पेस ऑफ द ऑडिट एक्टिविटीज, ये चीज भी ऑडिट प्लान का हिस्सा होती है कि आप किस रफ्तार से, किस स्पीड से आप ऑडिट एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। टाइम फ्रेम फॉर द ऑडिट, कितनी मियाद में, कितने वक्त में आपने ऑडिट को कंप्लीट करना है। डेप्थ एंड ब्रेथ ऑफ ऑडिट, ठीक है कि कितनी गहराई में ऑडिट होगा, कितना थॉरोली ऑडिट होगा, और ये कितना इसका फैलाव इसका कितना होगा, किस हद तक ये चीजों को कवर करेगा। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन अमंगस्ट ऑडिट टीम मेंबर, ठीक है, अमंगस्ट जो ऑडिट टीम मेंबर है उनके दरमियान वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। इंश्योर
प्रॉपर कवरेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनकुलेट्स सॉरी इनकल्केट्स लेसर रिस्क इन ऑडिट फाइंडिंग, ठीक है। तो लेसर रिस्क जो है ना वो ऑडिट फाइंडिंग में हम उसको देखेंगे। ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपरेशन फॉर ऑडिटी, ठीक है, हम इस चीज को भी सामने रखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो, या मतलब ईज से मुराद ये है कि वो अपनी हदूद के अंदर रहते हुए स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए जो ऑडिटी ने जिसका ऑडिट होना है तो उसकी प्रिपरेशन उसके एडमिनिस्ट्रेशन में उसे कोई प्रॉब्लम ना आए। अब ऑडिट स्केड्यूल क्या है, द एलोकेशन ऑफ टाइम डेट एंड नेम ऑफ ऑडिटर फॉर ईच प्रोसेस टू बी ऑडिटेड, नोट द स्केड्यूल इज पार्ट ऑफ द ऑडिट प्लान इवन इफ इट इज सेपरेट डॉक्यूमेंट। समझ आ गई बात की कि ऑडिट स्केड्यूल जो है, पहली तो बात यह है कि ऑडिट प्लान का हिस्सा है, हमने पहले भी डिस्कस भी किया, ठीक है, ऑडिट प्लान का हिस्सा तो है ऑडिट स्केड्यूल, लेकिन इसके साथ साथ ये बेशक एक सेपरेट डॉक्यूमेंट है और एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर टाइम क्या होगा, कब आपने ऑडिट परफॉर्म करना है, डेट क्या है, कितना टाइम दिया गया इस ऑडिट के लिए और नेम ऑफ ऑडिटर, हर प्रोसेस के लिए कौन कौन सा ऑडिटर इन्वॉल्व होगा, इसको ऑडिट स्केड्यूल कहा जाता है। नेक्स्ट जी एक्सरसाइज 9। अब आप देखें आज का जो टॉपिक है या लास्ट स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करूंगा इस हवाले से, लेकिन आज आपका काम बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपने 2 से 3 दिन लेने हैं। सबसे पहले आपने एक डेस्कटॉप ऑडिट रिपोर्ट जो है वो क्रिएट करनी है आफ्टर मॉक डेस्कटॉप ऑडिट, वो मैंने इंफॉर्मेशन सारी पहले दे दी है। उसके बाद आपने सैंपलिंग फॉर्म क्रिएट करना है, उसके बाद नंबर 3 आपने चेकलिस्ट फॉर्म क्रिएट करना है, और लास्ट में आज जो आपने चौथी चीज वो बनानी है वो है ऑडिट प्लान एंड स्केड्यूल फॉर्म F9। ठीक हो गया, इंडिविजुअल है, डेस्कटॉप ऑडिट रिपोर्ट आपने कर ली, PMS ऑडिट प्रोग्राम, चेकलिस्ट फॉर्म, ये हो गया, डाटा भी हो गया, ठीक है। इसका पर्पस ये है कि आपको पता चले कि एक आपका एफिशिएंट ऑडिट प्लान और स्केड्यूल कैसे बनता है। 30 मिनट्स आपके इसके लगने चाहिए, 15 मिनट्स फॉर डिस्कशन। तो आज के टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, इसमें चीजें जो हमने डिस्कस की उसमें ऑडिट प्लान, ऑडिट स्केड्यूल, ऑडिट प्रोग्राम वगैरह आया, लेकिन मेन जो इसकी चीज है आज के लेक्चर की जो मेन जान है वो ये है कि हमने प्रैक्टिकली एक डेस्कटॉप ऑडिट कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट कैसे जनरेट होती है, सैंपलिंग डेटा फॉर्म कैसे क्रिएट होता है, चेकलिस्ट जो होती है वो कैसे आपने क्रिएट करनी है, उसके बाद आपके पास ऑडिट प्लान और स्केड्यूल का क्या सिनेरियो है। आप ये सारी चीजें प्रैक्टिकली करके आपके पास 3 दिन है, 3 दिन में जितने ज्यादा से ज्यादा हमारे पास आज जिस दिन पे मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ, जिस दिन आपका ये लेक्चर अपलोड हो रहा है, उस हवाले से आपके 3 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग जब ये मुझे सबमिशन करा लेंगे, उसको देखते हुए उनको सजेशन उनके साथ कंसल्टेशन करने के बाद, देन मैं इसका day 3 का जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह ताला रिकॉर्ड करूंगा। इसके अगले लेक्चर में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।